सीख रहे हो जो उस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, ऐसा नहीं उससे सीख रहा हूँ जिसको एबीसीडी भी नहीं पता। जो बिगिनर होते हैं, ठीक है, बिगिनर होते हैं, वो ये बोल ही नहीं पाते, स्टार्टिंग में हेजिटेशन होती है यार, कुछ भी समझ नहीं आता है, बाउंस कर जाता है दिमाग से, कुछ भी नहीं समझ में आता है, बीच बीच हेजिटेशन होती है, एंडिंग नहीं कर पाते हैं किस प्रकार से करें, यानी कि एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं समझ आता है, स्टार्टिंग नहीं कर पाते हैं, एक्शन ही ले पाते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं यार, ये सबके साथ होता है, जो विगनर होते हैं ना, ये सबके साथ होता है। आप किसी भी बंदे की वीडियो ले लो यूट्यूब पे, किसी भी बंदे एक्स वाई जेड किसी भी बंदे की वीडियो ले लो, उसकी फर्स्ट वीडियो जाके देखो कितनी घटिया रही होगी, ठीक है, फर्स्ट वीडियो जाके देखो। तो ऐसा नॉर्मल बात है यार, सबकी वीडियो स्टार्टिंग में नहीं बोल पाते हैं, स्टार्टिंग में हेजिटेशन होती है, एडिटिंग नहीं कर पाते हैं, ये सबके साथ होता है। आपको क्या करना है, डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यार, वॉइस कैसे इम्प्रूव करोगे अपना वॉइस, ठीक है, अच्छे से कैसे बोलोगे, बिना रुके बिना थके पूरे कॉन्फिडेंटली कैसे बोलोगे। तो इसका सोल्यूशन है यार, जिस आप कैटेगरी में हो, जिस वीडियो बनाते हो, जिस कैटेगरी की वीडियो बनाते हो, मान लीजिए फैक्ट वीडियो बनाते हो या कैमरे में कैटेगरी वीडियो बनाते हो, उनको अच्छे से फॉलो करना है। अगर आप फैक्ट वीडियो बनाते हो तो फैक्ट्स से कैटेगरी के जितने एक्सपर्ट लोग हैं उनको अच्छे से फॉलो करना है, लाइक दैट मिस्टर ज्ञानी फैक्ट्स एंड मिस्टर फैक्ट दुनिया एंड मिस्टर फैक्ट सिटी अर्थ इंडिया फैक्ट एंड अगर फैक्ट जिला अगर बहुत सारे लोग हैं उनको अच्छे से फॉलो करना है। मेरा मतलब है जिस कैटेगरी में हैं आप, उन कैटेगरी के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे सीखना है, उनमें क्या है जो मेरे में है, उनसे सीख कर उनके जैसे नहीं बनना है, उनकी तरह नहीं बनना है, उनसे सीख करके अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोला हूँ, उनकी तरह दूसरे लोग को एक्सपर्ट लोग को फॉलो क्यों करना है, मैं ऐसा क्यों बोला हूँ, क्योंकि संदीप महेश्वरी सर कहते हैं जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे सीखो, ऐसा नहीं कि किसी से जो कुछ भी नहीं जानता उनसे सीखो, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे सीखो, कुछ अपने आप में इम्प्रूव करो। यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो, इज प्रैक्टिस इनफ और प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन, राइट काइंड ऑफ प्रैक्टिस, व्हाट इज राइट काइंड ऑफ प्रैक्टिस एंड व्हाट इज रॉन्ग प्रैक्टिस। जिस फील्ड में भी आप हो उसमें आप उनसे सीख रहे हो जो उस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, ऐसा नहीं उससे सीख रहा हूं जिसको एबीसीडी भी नहीं पता उस गेम की। अब वो चाहे अच्छा बोल रहा है चाहे बुरा बोल रहा है, भाड़ में जा। या तो उनको ऑब्जर्व करके, अब इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आपको उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट में होना है, यानी अगर आपको फुटबॉल खेलना है तो आप मेसी को देख करके भी सीख सकते हो। फिर जब आप एक लेवल पे आ गए, जब आपको बेसिक समझ आ गए उस पर्टिकुलर फील्ड के, अब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको किसी ना किसी को फॉलो करना पड़ेगा, किसी ना किसी से सीखना पड़ेगा। जैसे अगर आपको एक साइंटिस्ट बनना है तो शुरू में तो साइंस की बेसिक नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी, फंडामेंटल्स तो सीखने पड़ेंगे, फिर उसके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जो आज से पहले किसी ने ना किया, ठीक है। आप एक बात समझ गए, हाँ, दूसरे से देख करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, सीखना है, डे बाय डे इंप्रूव करना है, 0.11% आपको डे बाय डे इंप्रूव करना है, या 2 महीने 3 महीने अगर इसको लगातार करेंगे, कंसिस्टेंसी करेंगे ना, एक्सपर्ट बन जाएंगे आप ही, यकीन मानिए एक्सपर्ट बन जाएंगे। और एक चीज़ आपको याद रखना हमेशा के लिए, गांठ बांधो एक चीज़, अपने आप पे विश्वास रखना है। जब भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करो, कोई भी वॉइस ओवर, किसी वीडियो में वॉइस ओवर दो, या फैक्ट हो या कैमरे में कैद वाली वीडियो हो, कोई सी वीडियो, एक्स वाई जेड कोई भी वीडियो हो, सबसे पहले आपको अपने आप पे विश्वास रखना है, हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर आपके अपने आप पे विश्वास होगा तो अच्छे से कॉन्फिडेंटली अच्छे से बोलेंगे, क्लियर एंड क्रिस्पी, बिना विदाउट एनी हेजिटेशन के अच्छे से बोलेंगे। विश्वास ही नहीं रहेगा तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा यार, समझ रहे हो ना, विश्वास ही नहीं रहेगा कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, विश्वास होना चाहिए, विश्वास मैं बोल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ आप समझ गए ना, इस प्रॉब्लम आपका, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपने दे दिया। और आपका भी फर्ज बनता है इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, अगर आप दूसरे से देखकर सीख ही जाते हो, प्रैक्टिस ही नहीं करते हो तो बेकार है, सब कुछ बेकार है, दूसरे से सीखना बेकार है। क्योंकि यार मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग जो है, आप कितना ही पढ़ लो यार, ग्रामर और अमर कितना भी चाट के अच्छे से पढ़ लो, चाट लो सब, एक एक पेज को रट्टा मार लो, और प्रैक्टिस नहीं करोगे, बोलने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इंग्लिश सीख पाओगे क्या? एक सेकेंड इस वीडियो को पॉज करके बताओ यार, इंग्लिश स्पीकिंग सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे ना। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन इन राइट डायरेक्शन, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं एक बात और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको स्विमिंग करना है, कितना ही किताब पढ़ लो, इस प्रकार से हाथ किया जाता है, इस प्रकार से हाथ चलाया, इस प्रकार से पैर चलाया, पॉडी मारा जाता है, अगर पानी में कूद कर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे आएगा? सोचो यार, इस वीडियो को पॉज करके सोचो कैसे है। तो सिंपल सा बात है यार, दूसरे से सीखो एंड मोर प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगे हुआ होगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से बोल पाओगे, ठीक है, सिंपल सोल्यूशन है। तो भाई आप समझ गए, हाँ भाई, अपनी वॉइस कैसे इंप्रूव करना है, दूसरे से सीख करके एंड प्रैक्टिस करना है उसको अच्छे से।